गाइस आज के हॉल में होने वाली है बहुत ही प्यारी प्यारी सी स्वेटशर्ट्स एंड हुडीज फ्रॉम मीशो, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चहेती गीमा आशी, लेके आ रही हूँ फिर से एक और आप सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट मीशो हॉल। और आज के हॉल वीडियो में होने वाली है विंटर स्पेशल स्वेटशर्ट एंड हुडीज। तो देखते हैं कैसा रहता है इस बार का हमारा एक्सपीरियंस। मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर की बहुत ही क्यूट क्यूट कुछ कोरियन स्टाइल वाली स्वेटशर्ट्स और हुडीज मंगाई है, और आपको तो पता ही है विंटर सीजन चल रहा है तो ये हमारे बहुत काम भी आने वाली है। तो मुझे देखना था कि कैसा रहता है स्टफ, क्वालिटी, लुक एंड स्टाइल, तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन मेरी काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी लाइंड अप थी तो ये उनमें से एक थी, तो ये आज लाइव हो रही है फाइनली। तो जितनी भी मैं इस हॉल वीडियो में आपको स्वेटशर्ट्स और हुडीज दिखाऊंगी, या तो वो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टैग में मिल जाएंगी, अगर जस्ट इन केस उसमें ना मिली तो मैं आपको कमेंट में उनके लिंक भी दे दूंगी, आप मुझे कमेंट में पूछ लेना आपको कौन सी हुडी का लिंक चाहिए। वैसे तो जितना हो सकेगा मैं सारे के सारे यहाँ टैग कर दूंगी, उस चीज़ से आपके लिए ईजी हो जाएगा तुरंत उस प्रोडक्ट पर जाके शॉपिंग करना। तो मैंने मंगवाई है 9-10 हुडीज और स्वेटशर्ट्स, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। आपको प्राइस रेंज में बता देती हूँ मिनिमम से मैक्सिमम कितना रहने वाला है इस वीडियो में। मिनिमम जो है वो हमारी है 260 और जो मैक्सिमम है वो है 520। तो आज के हॉल में जितने भी चीज़ें होंगी वो आप राउंड फिगर में 250 से 500 बोल सकते हो, इसी बीच में आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलो देखते हैं अपनी सबसे पहले हुडिया स्वेटशर्ट जो भी मेरे हाथ में आती है वो कैसी है। सबसे पहली ना गाइज, ये बिल्कुल कोरियन स्टाइल वाली हुडी मेरे हाथ में आई है, आप ज़रा पिक्चर में देखो। ये 365 रुपीज़ की हुडी है, इसमें कितने सारे कलर ऑप्शन है, पर्पल, स्काई ब्लू, ब्लैक, येलो, पिंक एंड ऑरेंज। मैंने ये ग्रीन कलर मंगवाया क्योंकि इसमें जो डायनासोर बना है ग्रीन कलर का, वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। अब देखते हैं क्या स्टफ रहता है, कितनी वॉर्म रहती है, क्या साइज रहता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। पूरी कोरियन स्टाइल वाला लुक आप क्रिएट कर सकते हो इस हुडी के साथ। मैंने साइज मंगाया है एम, क्योंकि जितना लूज फिट होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आई है बहुत अच्छी खासी सी बड़ी सी हुडी, इसमें आप कलर तो बिल्कुल सेम आया, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब ओवर साइज इसका लुक आएगा। ये इसकी ग्रीन कलर की स्लीव्स हैं, सामने एक डायनासोर प्रिंट हुआ हुआ है, कलर और लुक तो बिल्कुल सेम है। अब बात करूँ फैब्रिक की, तो गाइज ये फ्लीस वाला फैब्रिक है, गर्म तो हो गई, आप देख सकते हो अंदर से दिस फ्लीस फैब्रिक, ठीक है, और बाहर से इसका फैब्रिक आप देख सकते हो कैसा सा। मैं जूम इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आप अच्छे से डिटेल समझ पाओगे आपको क्या फैब्रिक मिलने वाला है। एंड अगर अंदर से भी मैं बात करूँ, इसमें दोनों तरफ कोई पॉकेट नहीं है, अंदर से भी इसका पूरा फैब्रिक आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है, और ये फैब्रिक वॉर्म भी होता है। तो फ्लीस वाली हुडी तो है तो ये वॉर्म तो रहेगी। अब 367 के हिसाब से आपको ये कूल सी हुडी मिल रही है, तो फटाफट से इसको मैं वियर करके आती हूँ और फिर देखती हूँ कैसा है इसका फिट, कितनी ज़्यादा ये सुंदर लग रही है, क्या इसमें कमियाँ हैं, सब कुछ मैं आपको पहन के बताती हूँ। गाइस दिस हुडी इज लुकिंग सो ऑसम एंड सो क्यूट, जस्ट लुक एट द फिट, द स्टाइल कितना प्यारा लग रहा है, पूरा कोरियन वाइब आ रही है इसको पहन के। परफेक्टली लूज है इसकी स्लीव्स की लेंथ, आप देख सकते हो कहाँ तक है, एंड परफेक्टली वॉर्म है, मतलब अंदर लाइक मैंने कुछ वियर नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने इसको अपने स्किन से ये टच हो रहा है, मुझे कहीं से भी नहीं चुभ रहा है, एंड मुझे कोई इरिटेशन भी नहीं हो रही है। आप देख सकते हो इसका क्या लुक आ रहा है, एंड आप बैक से भी देख सकते हो कि कैसी लग रही है। इसके साथ आपको जो कैप भी मिल रही है इसको भी मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है। एक तो इसका प्रिंट इतना क्यूट, ऊपर से कलर कॉम्बिनेशन इतने क्यूट, आपको इतने कम प्राइस में इतनी प्यारी सी हुडी मिल रही है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। वॉर्म भी है, और आप पास से देखोगे तब समझ पाओगे उसका ऊपर का फैब्रिक किस चीज़ का है, ठीक है, कैसा है अंदर पूरा दिस फ्लीस मटेरियल, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, मुझे सच में बहुत पसंद आया। थम्स अप फॉर दिस वन, नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो जो नेक्स्ट हमारी हुड स्वेटशर्ट है वो है ये ग्रीन कलर की, ये न्यूयॉर्क स्टेट में ब्रुकलिन कंट्री है ना, तो ये उसी का ही प्रिंट है। इसमें ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी प्रिंट है क्योंकि बहुत टाइम से ये चलता आ रहा है ऐसे ब्राउन और ग्रीन कलर के में, ऐसे ब्रुकलिन लिखा हुआ कंट्री का नेम। तो ये 346 रुपीज़ की, आप देखते हैं कि कैसी रहती है, क्या साइज़, क्या लुक। अब इसमें तो बहुत बैगी दिखाई है, आई कैसी है वो हम देखते हैं। मैंने साइज़ एस मंगवाया इसका क्योंकि मुझे लग रहा था पिक्चर में बहुत ओवर साइज दिख रही है तो शायद ऐसी ही आएगी। गाइस इसका फैब्रिक
बहुत सॉफ्ट है। अगर मैं कंपेयर करूँ वो ड्रैग जो सबसे पहले मैंने दिखाई थी आपको, क्या कहते हैं, जिसमें वो डायनासोर बना था, उससे इसका फैब्रिक बहुत स्मूथ है। ये स्मॉल साइज़ के है, लुक उतना सेम तो नहीं है लेकिन स्मॉल साइज़ के हिसाब से लूज तो मुझे आएगी। और ये प्रिंट भी काफ़ी फाइन हुआ हुआ है, मतलब 350 रुपये के हिसाब से। आप पास से देखो इसका फैब्रिक, अब आप समझ पाओगे कि इसका फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट है। और इसका प्रिंट भी आप देख सकते हो कैसा इसका प्रिंट है, स्लीव्स की लेंथ। और अंदर से प्लस पॉइंट गाइस, ये भी अंदर से पूरा फ्लीस वाला है, तो दैट मीन्स ये भी पूरा अच्छा खासा वॉर्म होने वाला है। देख सकते हो अंदर पूरा इसमें फ्लीस फैब्रिक लगा हुआ है, ये वॉर्म तो होता ही है। कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, जैसा पिक्चर में दिखा है एग्जैक्टली कलर और प्रिंट तो वही है, डिज़ाइनिंग में थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बैगी है जो पिक्चर में दिखाई है। इतनी बैगी मुझे लग नहीं रही है, फिर भी मैं इसको वियर करके आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। गाइज देखो आप इस हुडी का लुक, आई नो एग्जैक्टली सेम इसका फिट नहीं आया है क्योंकि उस स्टाइल की बनी नहीं है, ओवर साइज हुडी नहीं बनी है ये स्वेटशर्ट। हाँ हुडी स्वेटशर्ट में कितना कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल फिट वाली है एंड ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत अच्छा है, सेम टाइम ये वॉर्म भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली पहना है, कहीं से मुझे चुभ नहीं रही है। पूरा आप इसका फिट लुक कलर देख सकते हो कैसा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये ग्रीन कलर, बॉटल ग्रीन कलर। बैक से भी आप देख सकते हो इसकी स्लीव्स की लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है, ये मैंने थोड़ा फोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हो कैसे आ रही है, मुझे काफ़ी ठीक लग रही है। अगर आपको लेकिन फिट ही वो चाहिए था तो आप देख सकते हो, लेकिन वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छी हुडी है। अगर आपको वो फिट चाहिए तो आप साइज़ अप कर सकते हो, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपको बैगी और शोल्डर्स लूज़ मिल जाएगी। वैसे मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, तो मेरी तरफ से तो थम्स अप क्योंकि फैब्रिक बहुत अच्छा है, वॉर्म भी बहुत है। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो हमारी हुडी है स्वेट शर्ट है, इतना कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, कभी हुडी आ रही है कभी स्वेट शर्ट आ रहा है। ये है कैलिफोर्निया सॉफ्ट लूज फिट स्वेट शर्ट्स फॉर विंटर्स। इसमें आप कलर देख सकते हो, वाइट पर्पल, दिस ब्राउन कैमल कलर, देन स्काई ब्लू एंड ब्लैक। मैंने एक कैमल ब्राउन कलर मंगवाया है, आप पिक्चर में देख सकते हो कोरियन लड़की ने पहना है, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो मैंने सोचा देखते हैं ऐसा आता है नहीं आता। ये 520 रुपये की है। इस हॉल का सबसे महंगा आइटम जो है ना वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, एक रैंडम मेरे हाथ में आया है। इसका साइज़ मैंने स्मॉल मंगाया है, लगता यार वैसा सही रहा है बिल्कुल। अरे आर यू किडिंग, इतना सही लग रहा है ये, इसका ये फ्लीस, मतलब ये फ्रंट से भी पूरा फ्लीस है लेकिन गाइस ये अंदर से फ्लीस नहीं है, इसमें थोड़ा उल्टा हो गया है। ये आप देख सकते हो पूरा लूज फिट वाला स्टाइल है इसका, स्लीव्स भी आप इसकी देख सकते हो, फ्रंट में उतनी ही जिप है जितना पिक्चर में दिखाया है, और जिप भी बहुत स्मूथ चल रही है यार, बहुत स्मूथ। और इसमें भी वही कैलिफोर्निया द बेस्ट जूनियर, ये इसमें आप देख सकते हो थ्रेड से पूरा वो हुआ हुआ है। पास आप इसका पूरा फैब्रिक देखो, आप समझ पाओगे जो मैं बोल रही हूँ कितना स्मूथ ये फैब्रिक है। लेकिन ये अंदर से आपको मिलेगा बिल्कुल ऐसा प्लेन, अंदर से आपको फ्लीस वाला चीज़ नहीं मिलेगी, अंदर से आपको ऐसा टेक्सचर मिलेगा फैब्रिक का। एंड इसको पूरा लुक आप देख सकते हो, यहाँ से आपको इसमें वो मिल रहा है एक इलास्टिक और ये वाला चीज़, इसको आप ऐसे खींच के टाइट कर सकते हो और नीचे जितना आपको लुक देना आप उतना लुक देख सकते हो। तो नीचे से बिल्कुल टाइट हो जाएगी, ऊपर से लूज फिट पड़ी रहेगी, कलर बिल्कुल एक्जैक्टली सेम आया, ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत रिच लग रही है। मतलब 520 रुपये के हिसाब से जो फैब्रिक मिल रहा है ना देख के लग रहा है हाँ उतने पैसे का ये है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी मैं वियर करके आपको उसको पूरा लुक फिट एंड स्टाइल दिखाती हूँ, मज़ा आ गया। ज़रा देखो आप इसका पूरा लुक एंड स्टाइल कितना ज़्यादा सुंदर एंड प्रिटी लग रहा है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई नो इसका अंदर से फ्लीस वाला फैब्रिक नहीं है, स्टिल ये मुझे वॉर्म फील दे रही है, बहुत सॉफ्ट है ये अंदर से भी, बहुत प्यारा इसका फैब्रिक है, इसका लुक बहुत डिफरेंट है। आप देख सकते हो मैंने ना यहाँ से थोड़ा टाइट करके आप देख सकते हो ऐसे वियर किया है, और इसकी जिप मैंने इतनी ओपन की हुई है। पीछे से भी आप इसका लुक देख सकते हो कहाँ तक की इसकी पूरी लेंथ आएगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसकी डिटेलिंग्स देखो ना, हाथ से भी ऐसे पूरा ऐसे टाइट है, बॉटम से भी, ऊपर से जिप वाला स्टाइल है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यार मेरे को आज के माल, मतलब मैं खुश हूँ बहुत। मैं एक एक स्वेट शर्ट निकाल रही हूँ, मैं लाइक वाओ ये कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी है, ऐसा हो रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइज, अगर आपको कुछ डिफरेंट लुक में ऐसी चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, मेरी तरफ से तो थम्स अप है। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट हमारी एक हुडी है, आप पिक्चर में देख सकते हो इसमें दो कलर के ऑप्शंस थे, वाइट एंड पिंक। मैंने ये बेबी पिंक मंगवाई है, इस पर पांडा बना हुआ है, उस पर हेलो लिखा हुआ है, बहुत क्यूट लग रही थी। वैसे वाइट भी बहुत क्यूट थी, मैंने सोचा बेबी पिंक मंगा के देखती हूँ। अब देखते हैं कैसी रहती है हमारी 300
₹90 की, मतलब ₹400 की ये है। देखते हैं साइज वाइज कैसा रहता है। मैंने इसका साइज भी स्मॉल ही मंगाया है गाइज। एक मिनट, कुछ गलत बता दिया मैंने, कट। मुझे थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस हो गई थी थोड़ी देर के लिए। ये है हमारी प्रिंटेड स्वेटशर्ट जो पिंकिश पीच कलर की है, ₹276 की। इसमें यस्टरडे नाउ एंड टुमारो लिखा हुआ है, एंड यस्टरडे एंड टुमारो पे कट है आज अभी इसी वक्त हमें जो करना है वो इसमें लिखा हुआ है। इसमें काफ़ी कलर ऑप्शंस थे, वाइट, ब्लैक, पर्पल एंड पिंक। ये पीच सा शेड मैंने मंगवाया, मैंने कहा काफ़ी अलग सा कलर मुझे लग रहा था। एंड अगेन ₹280 राउंड फिगर में बोलूँ तो, और स्मॉल साइज़ मैंने मंगाया है। इसको देख के मैंने सोचा मैंने कुछ पिंक ऑर्डर किया, तो मैंने आपको गलत एक्सप्लेन कर दिया था। चलो एनीवेज, ये क्या है, मतलब मैंने स्मॉल ऑर्डर कर लिया था तो ये ऐसा लग रहा कितनी छोटी आई है, किसी बच्चे की लग रही है क्या? मुझे लगता है पहन के सारा पता अच्छे से चलेगा ये शॉर्ट है या किसी बच्चे की स्मॉल साइज में इतनी छोटी आई है। इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, इस पर प्रिंट हुआ हुआ भी बहुत ठीक लग रहा है। मैं आपको पास से दिखाऊँ तो आप समझ पाओगे। देखो इसका कैसा इसका फैब्रिक है और प्रिंट हुआ हुआ कैसा लग रहा है। इसका फैब्रिक अंदर से पूरा वॉर्म फ्लीस वाला इसका फैब्रिक है। कलर कितना सुंदर है, आपको यहाँ पे भी ये चीज़ मिल रही है, बॉटम में भी ये चीज़ मिल रही है, नेक पे भी आप देख सकते हो। बैक इसका बिल्कुल प्लेन है। मुझे लग रहा है कि मैंने स्मॉल मंगाया है, और भी आर्टिकल में स्मॉल मंगवाया, लेकिन ये स्मॉल कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो गया। मुझे लगता है मुझे एल आएगा फिर तो, अगर मुझे वो बैगे फिट चाहिए तो। फिर भी मैं इसको वियर करके देखती हूँ कि कितना वियर्ड लग रहा है मेरे ऊपर, क्या पता अच्छा भी लगे वियर करके आती हूँ। गाइस ये कुछ ज़्यादा ही छोटी आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किसी बच्चे की हुडी पहन ली है। साइज़ अप कर लेना। बाकी फैब्रिक वाइज बहुत सॉफ्ट है, बहुत वॉर्म है, प्रिंट भी बहुत क्यूट है। डबल साइज़ अप कर लेना, बाकी आपको मैं पूरा पहन के दिखा देती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मैंने स्मॉल को ज़्यादा ही स्मॉल बना दिया। मेरी स्लीव्स भी छोटी हैं, मतलब शोल्डर्स परफेक्ट आ रहे हैं, लेंथ में भी टाइट है। बस साइज़ अप कर लेना, वैसे ही काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारी पीका पीका वाली हुडी है, आप पिक्चर में देख सकते हो, बिल्कुल पिकाचू वाले येलो कलर में मैंने मंगवाई है। ₹257 की मुझे पड़ी है, लेकिन इसमें आप चाहो तो आपके पास कलर ऑप्शंस हैं, आप ग्रीन, ब्लू, रेड ले सकते हो। मैंने येलो मंगवाई है, देखते हैं कैसी रहती है ये वाली हुडी। एंड मैंने साइज इसका एम मंगवाया है। लेट्स सी एम साइज कितना छोटा रहता है, कितना बड़ा रहता है। गाइज ये पीका पीका वाली हुडी है, ठीक है। इसका फ्रंट फैब्रिक ओकेइश है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अंदर से ये पूरा वॉर्म फ्लीस वाला है। एंड अगेन आपको ₹260 में कुछ फ्लीस वाला चीज़ मिल रहा है, वो भी गर्म, तो वो तो काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हो फ्रंट कैसा है, और आप इसका देख सकते हो इसका बैक कैसा है, ठीक है। इसमें यहाँ सामने पूरा पिकाचू का फेस प्रिंट हुआ हुआ है, और आपको यहाँ पे दो फ्रंट में पॉकेट मिल जाएंगी, और अंदर से पूरा फैब्रिक आप देख सकते हो कैसा फ्लीस वाला फैब्रिक है। बाहर से आप इसका फैब्रिक देख सकते हो, थोड़ा सा रफ फैब्रिक है, तो मुझे थोड़ा सा बाहर वाले फैब्रिक को देख के अजीब लग रहा है। इसकी जो पॉकेट है वो पूरी एक नहीं है, यहाँ बीच में पूरा ऐसे सिलाई हुई हुई है, जिस वजह से यहाँ की पॉकेट अलग है और यहाँ की पॉकेट अलग हो गई है। बाकी मैं वियर करके बताती हूँ कितना क्या कंफर्ट है, 260 में आपको क्या मिल रहा है, वर्थ इट है या नहीं है, वो तो मैं पूरा वियर करके बता पाऊँगी। ऐसे देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहा है जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ ओकेश लग रहा है। वियर करके आती हूँ। गाइस ये वाली स्वेट शर्ट मुझे थोड़ी फिटेड ज़्यादा लग रही है, लूज फिट नहीं है, ठीक है। इसका फैब्रिक स्मूद है, आप देख सकते हो कितनी फिटेड है, प्रिंट एग्जैक्टली सेम आया है। पॉकेट में मैंने आपको बताया था अंदर से फ्लीस इसका फैब्रिक है, पीछे कैप है। मुझे ये ओकेश लगी, मुझे ना बहुत ज़्यादा वाव वाला मज़ा नहीं आ रहा, एक तो फिट को लेके एंड इसके ऊपर वाले फैब्रिक को लेके। इसका फैब्रिक ऊपर वाला ठीक है, आप देख सकते हो कैसा इसका फैब्रिक है, लेकिन अगर ये थोड़ी लूज़ होती ना, एक्चुअली क्या मुझे थोड़ी टाइट आ रही है इस एरिया से, यहाँ भी पूरा आप देख सकते हो ये चीज़ खिंच रही है, तो मुझे साइज़ अप करना पड़ता तो मुझे मज़ा आता। वैसे मुझे ऐसा और कमी नहीं लगी अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो आपको मिलेगा। वॉर्म भी है, प्रिंट भी क्यूट है। मुझे पर्सनल मेरे रीजंस थे कि मुझे साइज़ वाइज टाइट लग रही है, वरना वैसे ये ठीक लग रही है। साइज़ आप करूँगी तो मुझे ये थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती पहनने में, तो बस आप पूरा इसका लुक, फिट, स्टाइल देख सकते हो, फिर आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फिर ऑर्डर कर लेना।
मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप साइज अप करना, ठीक है? नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारी बहुत ही फैंसी, बहुत ही स्टाइलिश ओवर साइज स्वेटशर्ट राउंड नेक हुडी फॉर वुमेन, ये 306 रुपए की है। आप देख सकते हो टूटा हुआ दिल बनाया जस्ट लाइक माइन, ब्राउन कलर का ये है, जस्ट किडिंग। हाँ, इसमें काफी सारे कलर ऑप्शन थे, एक में ओवर लिखा था, एक में बेब लिखा है, और एक में एक कुछ बना हुआ है करेक्टर, आई डोंट नो क्या है। तो ये चार कलर थे, लेकिन मैंने ब्राउन इसलिए मंगाया, यू नो कॉफी कलर कितना ज्यादा आजकल ट्रेंड में है। देखते हैं 306 रुपए के हिसाब से हमें क्या मिला है। गाइस, मैंने साइज स्मॉल मंगवाया, फिंगर्स क्रॉस है ऐसा ना हो छोटा सा कुछ आ जाए। इस पे ब्रोकन हार्ट बना हुआ है और ब्रोकन हार्ट लिटरली लिखा हुआ भी है। एंड टडा, ये चलो स्मॉल में थोड़ा बड़ा तो आया है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको और ज़्यादा ओवर साइज चाहिए है ना, तो आपको साइज अप ऑर्डर करने ही पड़ेंगे। आई थिंक एम परफेक्ट है अगर आपको ओवर साइज लुक वाली चीज़ें चाहिए है। तो आप देख सकते हो ये ब्राउन कलर की हुडी, ठीक है, इसमें पूरा ब्रोकन हार्ट बना हुआ है और इसमें ब्रोकन हार्ट नीचे लिखा हुआ भी। इसका प्रिंट काफ़ी ठीक हुआ हुआ है, इसका जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी मोटा है, मतलब काफ़ी वॉर्म होने वाली है ये। अंदर से आप देख सकते हो कि पूरी इसमें वही फ्लीस वाला चीज़ लगी हुई है। बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी, मैं जितनी भी हुडीज़ और स्वेटशर्ट्स अभी तक हमने देखी है एक को छोड़ के, सबके अंदर फ्लीस वाला मटेरियल है, एक विंटर्स के लिए परफेक्ट। अगर आप कॉटन स्टफ लोगे तो उसके नीचे आपको वार्मर थर्मल पहनने ही पड़ते हैं, इसके नीचे भी पहनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी कभार आप इसको डायरेक्ट भी पहन लो ना तो भी ये काफ़ी वार्म होते हैं और विंटर्स में पहनने में मज़ा आता है। मुझे लगता है विंटर्स में ऐसे कुछ फ्लीस वाले कपड़े पहनने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, लेकिन काफ़ी लोग को एलर्जी भी होती है, तो दोनों केसेस हैं। पीछे से ये बिल्कुल प्लेन है, साइज मुझे ठीक लग रहा है, वियर करके आती हूँ, बस ओवर साइज वाला मज़ा थोड़ा कम लग रहा है, एम या एल ही मंगाना चाहिए था। चलो बाकी तो वियर करके देखती हूँ, वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे ये। गाइज, आई मस्ट से ये मस्ट बाय स्वेटशर्ट है, आप इसको बाय करो, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम द लुक कि इसका बहुत बैगी फिट नहीं है, आप साइज़ अप कर सकते हो, इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा और इतना ज़्यादा वॉर्म है कि आपको पहन के मज़ा आ जाएगा, लाइक परफेक्ट फॉर विंटर्स, मैं सीरियसली बता रही हूँ। अगर इसके नीचे आपने इनर पहन लेना तो इतना वॉर्म हो जाएगा, इतना सुंदर इसका कलर है, इसका फैब्रिक इतना स्मूथ है, अंदर से पूरा गर्म है, आप ये प्रिंट देख सकते हो, ठीक है, ब्रोकन हार्ट। आई नो इसका भी जो फिट है बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक स्वेटशर्ट होती है ना फिटेड, वैसा है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं है, लेकिन अगर आप साइज़ अप करोगे तो आपको बैगी फिट मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके पहना है, कैसा लग रहा है, बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे पिक्चर से तो लुक वाइज थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो आपको मिल रहा है ना फैब्रिक स्टफ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बैक से भी आप देख सकते हो कैसा लगेगा। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लग रही है, इतना स्मूथ बॉडी पे फील हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आप लोगों के लिए भी। ज़रा सा भी कहीं भी चुभेगा या खसर खसर होगा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, थम्स अप, डेफिनेटली थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारी जो स्वेटशर्ट है वो है इस पिंक कलर की, आपने देखा ये कितना ज़्यादा ट्रेंड में रहता है ये वाला प्रिंट स्वेटशर्ट्स में, कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट लिखा हुआ है इसमें, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है इसका, ब्राउन एंड ग्रीन बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन मैंने सोचा मैं ऑलरेडी एक ब्राउन और एक ग्रीन मंगा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ पिंक मंगवाया जाए। ये 348 रुपीज़ के, देखते हैं कैसी रहती है। गाइज, इसका साइज़ मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है एंड इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब मैं ऊपर वाले फैब्रिक की बात कर रही हूँ, अच्छा खासा वॉर्म और मोटा इसका मुझे फैब्रिक लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कलर। इसकी स्लीव्स के आप लेंथ देखो, बैक से देखो, ये बिल्कुल प्लेन है, इसकी स्टिचिंग भी बहुत फाइन हुई हुई है, पास से देखो जो ये लिखा हुआ है कैलिफोर्निया, और इसका फैब्रिक अगर आप समझ पाओ अंदर से बिल्कुल पूरा फ्लीस वाला, अच्छा खासा थिक मोटा फैब्रिक है, परफेक्ट फॉर विंटर्स, मतलब आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो सर्दियों से बचने के लिए एंड यू आर गेटिंग दिस, तो ये बिल्कुल मज़ेदार है, सच बता रही हूँ गाइस। मैं इसको फिर भी मैं वियर करके आती हूँ, लेकिन ऐसे मुझे बहुत अच्छी लगी इसका कलर वगैरह, पैसा वसूल। चलो वियर करती हूँ। आई थिंक मुझे बोल देना चाहिए कि ये इस हॉल की सबसे प्यारी हुडी है गाइस, इतना प्यारा इसका फैब्रिक एंड द फिट, परफेक्टली लूज फिट, स्मूथ इतना फैब्रिक है एंड उसके साथ साथ वॉर्म कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है एंड ये प्रिंट कितना ट्रेंड में है, ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं आपको बस क्या बताऊँ। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना तो आँख बंद करके ये ले लो, बहुत याद करोगे मुझे। आप देखो इसका बैक से पूरा लुक, मैंने इसको ना ऐसे पूरा फोल्ड करके, ऐसे नहीं तो पीछे से फोल्ड और आगे ऐसे इसको पूरा वियर किया है,
बहुत अच्छी है गाइस। ये इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा स्मूद है, अगर ऊपर का फैब्रिक इतना स्मूद है, अंदर का पूरा फ्लीस मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वॉर्म भी है, आप इसका प्रिंट भी देख सकते हो, कलर के क्या कहने, विंटर में ऐसे वाइब्रेंट कलर्स पहनने में तो कुछ अलग ही मज़ा आता है। परफेक्ट हुडी है ये, थम्स अप, ले लो जाके तुरंत, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारी बिल्कुल प्लेन सिंपल 10 लेवेंडर कलर की हुडी, आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेन है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। इसमें तीन कलर थे, वाइट, मस्टर्ड एंड दिस लेवेंडर। मैंने ये कलर मंगवाया लेकिन पता नहीं कि उसको देख के मुझे लग रहा था अगर ये एग्जैक्टली सेम ऐसी आई तो बैगी पैंट्स के साथ कितना कोरियन जैसा ढीला ढाला लुक हम क्रिएट कर सकते हैं। तो 280 रुपये की है, महंगा, देखते हैं कैसी रहती है। साइज स्मॉल, सी गाइस ये स्मॉल साइज में भी मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक आएगी और बिल्कुल प्लेन आप देख सकते हो, ठीक है। आगे फ्रंट पॉकेट है, बैक से भी मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। अब इसका फैब्रिक भी फ्लीस वाला है, फ्रंट मतलब जो ये ऊपर वाला फैब्रिक है ना ये भी बहुत सॉफ्ट है। अगर ये फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है ना तो पहनने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, अंदर से पूरा आपको ये फ्लीस वाला चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल प्लेन है जैसा पिक्चर में दिखाया है, फ्रंट में पॉकेट है जो बीच में से सिली हुई नहीं है, पूरा आपका हाथ ऐसा आर पार हो जाएगा, अंदर से भी पूरी फॉर्म लग रही है, कलर भी बिल्कुल सेम है, मतलब एग्जैक्टली सेम आपको मिल रहा है आप 280 रुपये में। मैं वियर करके आती हूँ, इसका डिटेल्स पूरा बताती हूँ आपको कैसा है कैसा नहीं। गाइज वैसे तो ये हुडी वॉर्म है, देखने में भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे जो एक चीज़ फील हुई कि कंपैरेटिवली इस लेंथ के कंपैरेटिवली इसकी जो स्लीव्स है ना वो थोड़ी छोटी मुझे लग रही हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ तक आ रही हैं इसकी स्लीव्स। वैसे तो इस हुडी की लेंथ काफ़ी अच्छी लंबी है, मैंने ऐसे फोल्ड करके पहनी है, ठीक है। फ्रंट पॉकेट भी आप देख सकते हो बहुत सही है, लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है, वॉर्म भी बहुत है। जो मुझे पर्सनली फील हुआ ये कि अब मैं हाथ ऐसे भी कर रही हूँ ना ज़रा भी, तो आप देख सकते हो कि ये कितनी छोटी हो जा रही है यहाँ से। अगर मैं स्ट्रेट भी करूँ ना तो थोड़ी छोटी, अगर यहाँ तक भी होती ना या लूज भी स्लीव्स होती तो चलती है, ऐसा लग रहा है यहाँ से लंबी और स्लीव से छोटी, ऐसा मुझे लग रही है। बाकी तो इसमें कैप भी है, वो तो मैंने इतना शिवजी वाला जूड़ा बनाया तो अभी वो कैप नहीं पहन पाऊंगी, तो आप देख सकते हो इसमें कैप भी है, वॉर्म ये है, सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा मुझे स्लीव्स वाला इशू लगा इसके साथ, वरना तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, ओहो चलो एनीवेज नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब है हमारी एक क्रॉप्ड हुडी जो आप पिक्चर में देख सकते हो, मैं इसको टेडी हुडी भी इसलिए बोलूँगी क्योंकि मैं इस जो पिक्चर में है ना फैब्रिक, मैं इसको टेडी फैब्रिक बोलती हूँ। और ये 414 रुपीज़ के, इसमें तीन कलर थे, वाइट एंड दिस पिंक एंड ये कैमल ब्राउन कलर। मैंने वाइट मंगाया है, अब देखते हैं कैसा आया है टेडी वाला चीज़। ऐसे पैक्ड बिल्कुल टेडी बियर ही लग रहा है, ये कितना ज़्यादा वाइट आया है कि मतलब जो मेरे इसमें वाइट फ्लावर्स लगे वो मुझे एकदम से ऑफ वाइट लगने लगे, बिल्कुल ही ज़्यादा ब्राइट वाइट। ओ वाओ ये कितना सुंदर लग रहा है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस, ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा वाइट कलर का। पास से देखो इसका फैब्रिक कितना स्मूथ है, इसके आप स्लीव्स देखो, ये क्रॉप्ड है और ये बहुत लूज फिट में है, इसकी जिप भी बहुत अच्छी लग रही है, और अंदर से इसका फैब्रिक फ्लीस वाला नहीं है लेकिन ये वैसे भी बहुत थिक है, देख सकते हो आप अंदर इसका ये फैब्रिक है, यानी मुझे बहुत सुंदर लग रही है यार, इसका वाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्विकली इसको वियर करके आती हूँ, कितने का है ये, उस हिसाब से बहुत सुंदर है, चलो वियर करती हूँ। गाइस जैसे इसका नाम था, जैसे इसकी पिक्चर में दिखाया था, ये एग्जैक्टली वैसे ही है, ये क्रॉप है अच्छी खासी, आप देख सकते हो कहाँ तक की इसकी लेंथ है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल सच में टैडी जैसा लग रहा है, क्या बिल्कुल वाइट कलर का ये है, जिप है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस ये जो आपको मिल रहा है ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो, स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, वॉर्म भी है। आई नो अंदर से फ्लीस वाला फैब्रिक नहीं है लेकिन ये जो इसको ऊपर वाला फैब्रिक है ना ये अपने आप में मोटा है तो अच्छा खासा वॉर्म लग रहा है एंड बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत क्यूट लगा, कुछ डिफरेंस सा लगा आज के हमारे हॉल में, काफ़ी अच्छा था यार, थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ लास्ट गाइस, और जिस हुडी की मैं पहले बात कर रही थी, दिस पांडा वाली हुडी जिसपे हेलो लिखा हुआ है, जो मुझे 391 रुपीस की मिली थी, अब इसकी बजाय ना मुझे कोई और हुडी रिसीव हुई है, वो है रेड कलर की, तभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि यार मैंने तो रेड कलर की हुडी मंगवाई नहीं है, तो देखते हैं ये रेड कलर की हुडी क्या है।
ओहो बस कलर अलग है आई गेस, प्रिंट बिल्कुल सेम है, इसमें भी हेलो और पांडा बना हुआ है। तो ये 391 रुपीस की हुडी है। पिक्चर में तो पिंक एंड वाइट दो ही ऑप्शन दिखा रहे थे, लेकिन इन्होंने मुझे रेड भेजी है, देखते हैं रेड कैसी रहती है। वैसे एक बात बोलूँ, मैंने ऑर्डर तो बेबी पिंक की थी, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी मुझे रेड लग रही है। अगर पिक्चर में रेड ऑप्शन होता तो मैं रेड ही ऑप्ट करती, क्योंकि रेड पे ये पांडा बना हुआ अलग से ही बहुत अच्छा दिख रहा है। आप देखो ये हुडी है, एंड अच्छी खासी ओवर साइज हुडी है। इसका ये प्रिंट, इसके कुछ प्रिंट नीचे तक हुआ हुआ है यार, देखो आपको समझ आ रहा है, ये हल्का सा कुछ इसमें से इसका प्रिंट निकल के ना नीचे आ गया है ऐसा। अभी सामने से देखने में आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे इस हुडी का फैब्रिक इतना ज़्यादा स्मूथ है, इसका साइज़ भी देखो अच्छा खासा बड़ा है, कैप वाली है ये पूरी, ठीक है। और फ्रंट ही आप भी देख सकते हो, स्लीव्स भी अच्छी खासी लंबी है, बैक से ये बिल्कुल प्लेन है। एंड इस पर दूर से आप देखोगे तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा इस पर पांडा बना हुआ कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। आगे जो फ्रंट पॉकेट है ये भी पूरी यहाँ से हाथ है और यहाँ निकल जाएगी, बीच में से कोई स्टिचिंग नहीं है। अंदर पूरा इसमें फ्लीस वाला फैब्रिक है, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है यार, ये पिंक से ज़्यादा मुझे रेड अच्छी लग रही है, जो मुझे रिसीव हुई है मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। बस इसमें ये थोड़ा सा ये वाला चीज़ आ गया है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद रखने से इसकी प्रिंट थोड़ा नीचे आ चुका है, वरना तो इसकी प्रिंट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। चलो एनीवेज भी मैं वियर करके दिखाती हूँ। गाइज अगर आप कलर वाली चीज़ को इग्नोर कर दो और इस प्रिंट वाले को ज़रा सी चीज़ को इग्नोर कर दो तो ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना, मैं आपको बस क्या बताऊँ। इसका फैब्रिक बहुत वॉर्म है, बहुत सॉफ्ट है, हर चीज़ की लेंथ इतनी परफेक्ट है। आप देखो ना स्लीव्स की लेंथ कितनी परफेक्ट है, इसकी लेंथ भी बहुत लॉन्ग है, यहाँ पर पूरा पॉकेट है, इसका फिट इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। रेड कलर कितना वाइब्रेंट ब्राइट कलर कितना ज़्यादा खिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप इसकी कैप भी देख सकते हो, अच्छी खासी बड़ी इसकी कैप है, पूरा पीछे से लुक देखो, फ्रंट देखो। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने वो लाइट पिंक ऑर्डर किया था, मुझे रेड रिसीव हुआ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उनको इसकी भी पिक्चर लगानी चाहिए, वरना मुझे पता है सब लोग रेड ही लेंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी हुडी है। अगर हम इस चीज़ को हल्का सा इग्नोर कर दें कि यहाँ पे प्रिंटिंग वाली चीज़ नीचे तक आ रखी है, बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो गाइस। क्या पता आपके में ये चीज़ ना हो और आपको बहुत अच्छी हुडी रिसीव हो, क्योंकि वैसे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मुझे लगता है अब तक मैंने जितनी हुडी पहनी ना, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्मूथ फैब्रिक ना इसी का ही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थम्स अप फॉर दिस वन टू। ये थी मेरी लास्ट हुडी स्वेटशर्ट जो भी है यार ये। सो गाइज दैट्स इट, ये थी मेरी आज की हॉल वीडियो। बहुत सारी हुडीज़, बहुत सारी स्वेटशर्ट्स और कुछ तो इतनी क्यूट थी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो काफ़ी कुछ बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, किस चीज़ को आप विश लिस्ट करना चाहोगे और क्या आप ऑर्डर करोगे। तो आपके लिए थोड़ा शॉपिंग ईजी बना देती हूँ, यहाँ पे शॉपिंग कार्ट में सारे लिंक अटैच कर दूँगी, यहाँ से आप जाके ईजिली शॉप कर सकते हो। और जस्ट इन केस मुझे यहाँ पे नहीं मिला तो मैं आपके लिए कमेंट में आपको सारे लिंक्स दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली आज के हॉल वीडियो में मज़ा आया, मैंने सोचा भी नहीं था इतने प्यारे प्यारे स्टफ़ निकला इतने कम प्राइस में, और विंटर स्पेशल सब कुछ इतना वार्म था कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई होप आपको मज़ा होगा मेरी आज की हॉल वीडियो देखने में। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो, मैं आप लोगों के लिए उसको प्लान करूंगी, जल्द से जल्द लेके आऊंगी। बस ऐसे ही भर भर के ढेर सारा प्यार आप मेरी वीडियोस को देते रहिए, मैं यहां बैठी हूं आप सबका प्यार बटोरने के लिए। तो बस चलो गाइस जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव या। बहुत मजा आया मुझे आज की वीडियो में।